बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हेल्थ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। प्लानिंग साइकिल के अंदर पहले और पहले दूसरे स्टेप कौन कौन से होते हैं? पहला स्टेप होता है एनालिसिस और दूसरा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल। इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू है कि अगर आपने किसी एक चीज़ को प्रायोरिटी दी और दूसरी चीज़ को इग्नोर माना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है। प्लानिंग के अंदर प्लान फार्मुलेशन एग्जीक्यूशन इवैल्यूएशन आ जाती है। मैन पावर मटेरियल मनी स्किल सारे रिसोर्सेज होते हैं। ओके ठीक हो गया। अल्टीमेट डिजायर्ड गोल, अल्टीमेट डिजायर्ड होता है हमारा गोल होता है, मैंने खुद बता दिया। द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द सिंथेसिस ऑफ बेस्ट अवेलेबल एविडेंस, तो ये एविडेंस बेस्ड पब्लिक हेल्थ होती है। नेक्स्ट है कि आयोडाइज साइट एट अ सब्सिडाइज रेट पे फरोख्त करना, दिस इज अ सोशल मार्केटिंग है। अगर बेनिफिट ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम आर एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ओके, और अगर फिनेंशियल कॉस्ट को कंपेयर करें विद द आउटकम, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट है कि ऑब्जेक्टिव बना के मैनेजमेंट की जा रही है, दिस इज द मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट हम चलते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्टिविटी वन मोर इंडिविजुअल, तो ये क्या होता है? वर्क सैम्पलिंग होती है। ग्राफिक प्लान ऑफ ऑल इवेंट्स और एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड इन ऑर्डर टू रीच एन ऑब्जेक्टिव, तो ये डेफिनेशन है नेटवर्क एनालिसिस की। नेटवर्क एनालिसिस के अंदर दो चीज़ें होती है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, और दूसरा क्रिटिकल पाथ मेथड जो कि काफ़ी लॉन्ग होता है। हेल्थ केयर नीड्स होती है, इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द अफोर्डेबिलिटी होती है। क्लियर। जब भी किसी न्यू वैक्सीन को इवैल्यूएट किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट है या कितने बच्चे हैं जो उस वैक्सीन से बच गया, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस होता है। प्रिपरेशन ऑफ अ मील सो डैट ईच पार्ट ऑफ अ मेन्यू इज कम्प्लीटेड एट द सेम टाइम, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोग्राम रिव्यू एंड एनालिसिस टेक्निक, सॉरी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसके बाद ये जो पावर आई है हाई से लोअर की तरफ जा रही है, दिस इज अ स्केलर प्रिंसिपल। इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम ड्यूरिंग द इंप्लीमेंटेशन, तो उसको क्या बोलते हैं? फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। जबकि एंड पे इवैल्यूएशन होती है, उसको सुमेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और अगर कोई थर्ड पार्टी किसी चीज़ को देखे, किसी सिस्टम को देखे कि काम सही तरह हुआ या नहीं हुआ, दिस इज द थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन।